हेलो गाइज, मैं हुसैन, अगर आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ एंड उसका रीज़न है एक प्रोडक्ट फ्रॉम अ कंपनी जिसकी मैं जनरली तारीफ़ करता हूँ या जिसको मैं समझता हूँ कि वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है। वो काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनी है और मैं बात कर रहा हूँ कूलर मास्टर की। एंड जो प्रोडक्ट है वो है हमारा कूलर मास्टर का CH331, जो एक गेमिंग हेडसेट है, बजट गेमिंग हेडसेट है। लेकिन देर आर मैनी इशूज़ जिसकी वजह से मुझे इस रिव्यू को करने में बड़ा कष्ट हो रहा है। तो मैं अपना थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ कूलर मास्टर के हेडसेट्स के साथ। मैंने सबसे पहले कूलर मास्टर का MH752 खरीदा था, सेकंड हैंड खरीदा था 4000 रुपये में। एंड यू नो व्हाट, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग हेडसेट्स जो आप मार्केट में खरीद सकते थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस पॉइंट। उसकी साउंड क्वालिटी एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा ऑडियो फाइल क्वालिटी की थी, थोड़ी ज़्यादा बैलेंस क्वालिटी वाली थी। उसका माइक बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल, लाइक वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल हेडसेट्स या हेडफोन्स जो मैंने आज तक ट्राई किए हैं। जब मैंने वो देखा मुझे लगा कि इनके जो फ्यूचर हेडसेट है, आई थिंक कूलर मास्टर इज ऑन अ वेरी नाइस पाथ, मतलब बहुत ही सही रास्ते पे है और अच्छा काम करेगी। और उनके अपकमिंग हेडसेट अच्छा लाइक इसी तरीके से होंगे, जो ऑडियो फाइल ग्रेड के होंगे, थोड़ी ज़्यादा प्रोफेशनल क्वालिटी होंगे और गेमर बच्चों वाली गेमिंग कंपनी छोड़ के थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा था। फिर MH650 लॉन्च हुआ, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ कि चलो ठीक है, वो थोड़ा लोअर एंड मॉडल था तो ज़्यादा गेमर फोकस था। इट वॉज स्टिल नाइस, मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज ठीक था, ठीक ठाक अच्छी परफॉर्मेंस देता था आपको, इमेजिंग वगैरह अच्छी थी, साउंड स्टेज वगैरह ओके था फॉर द प्राइस, एंड माइक बहुत अच्छा था, कंफर्ट भी ठीक ठाक था, बिल्ड क्वालिटी लाइक नॉट द बेस्ट, लेकिन फॉर द प्राइस 5000 इट वॉज ओके। 3000 वाला प्राइस रेंज है, उसको कवर करने के लिए उन्होंने ये लॉन्च किया है CH331। एंड यू नो वट आई एम डिसअपॉइंटेड इन कि कूलर मास्टर में कोई एम्प्लॉई है जिसको कूलर मास्टर ने पे किया है ताकि वो इस टाइप के प्रोडक्ट को अप्रूव कर सके या फिर लाइक ये डिसाइड कर सके कि ये मार्केट में इतने रुपए का बिकेगा। एंड आई एम श्योर उसने खुद ये प्रोडक्ट अपने सिर पे रख के ट्रस्ट नहीं किया है। कहाँ से शुरू करें? दो चीज़ें जो इस हेडसेट के बारे में अच्छी है, पैड्स ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लेकिन थोड़े से ज़्यादा ड्यूरेबल लग रहे हैं मुझको कंपेरेटिव, लेकिन लेदर है, मतलब नकली लेदर है, वो है, ओवर टाइम निकल जाएगा तो वो सीन है। फिर इसका जो माइक है उसकी लेंथ अच्छी है, तो वो ऑड सा फीचर, लेकिन कई बार में होता है कि माइक की जो लेंथ होती है इतनी अच्छी नहीं होती और आपको काफ़ी साइड पे रखना पड़ता है, दिस कम्स क्वाइट फॉरवर्ड, तो वो अच्छी चीज़ है। अब लेकिन शुरू होती है प्रॉब्लम्स की लिस्ट। मेरी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? दिस, कैन यू हियर दिस? एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा लूज है, फिट एंड फिनिश बहुत ज़्यादा कम है फॉर द प्राइस। ऐसी बिल्ड क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कंपनीज लाइक रेड गेम, कॉस्टिंग बाइट, और वो भी 3000 रुपये वाले हेडसेट्स नहीं। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ जब उनके 1000 रुपये के हेडसेट होते हैं, जब उनके 1500 रुपये के हेडसेट होते हैं। आई सीरियसली थिंक कि ये सबसे खराब कूलर मास्टर का प्रोडक्ट है जो मैंने आज तक देखा है। कंपनीज लाइक बोट, कॉस्टिंग बाइट वगैरह, रेड गियर वगैरह, या दूसरी जितने भी आपको कंपनीज का पता है, दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग सम मनी और उनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। जो 3000 रुपये में आप उनका खरीदते हैं ना प्रोडक्ट, क्वालिटी काफ़ी बेटर लगती है इसके मुकाबले। आई डोंट नो व्हाई, इतना ज़्यादा लूज फील होता है, हर चीज़ इतनी लूज फील होती है। जो माइक है वहाँ पे जो गैप्स वगैरह वो अजीब से लगता है, कटआउट सही नहीं है, जो वायर इतनी ज़्यादा स्टिफ है, ये जो उन्होंने कंट्रोलर बॉक्स दिया वो इतनी सबसे सस्ते क्वालिटी का प्लास्टिक लग रहा है, उसका डिज़ाइन इतना ख़राब है। इकोनॉमिक्स के मामले में या फिर एक यूज़र एक्सपीरियंस के मामले में, किसी ने सैलरी ली है ताकि इसको डिज़ाइन करें या फिर इसको खरीदे कहीं OEM पार्ट से और मार्केट में 3000 रुपये का लॉन्च करें। ये भी चलो मैं इग्नोर करता हूँ, एक बार हेडसेट सिर पे आ जाए, टिक जाए, भूल सकते हैं, ठीक है, अगर साउंड क्वालिटी अच्छी हो। एंड साउंड क्वालिटी तो मुझे और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, द साउंड इज सिंपली बैड, 1000 रुपये की साउंड भी नहीं है। ये लाइक उन हेडसेट से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जिनका प्राइस है 600-800 रुपये। सीरियसली कोई बैलेंस नहीं है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की माँ बहन हो रखी है यहाँ पे, सब बेस नहीं है, बहुत ज़्यादा मिड बेस है, बहुत ज़्यादा अचानक से ट्रेबल आ जाता है, मिड रेंज जो है वो कहीं पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे मिल ही नहीं रहा तब से। चलो वो बहुत ही मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ गेमिंग हेडसेट में वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल तो होना चाहिए ना। द लेफ्ट साइड इज़ लाइक कुछ 3-4 स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो लेफ्ट साइड ज़्यादा लाउड है कंपेयर टू द राइट साइड, 400 हर्ट्ज़ के आसपास, 2000 हर्ट्ज़ के आसपास, 1,07,000 हर्ट्ज़ के आसपास, और एक है ना कुछ 12,000-13,000 हर्ट्ज़ के आसपास। अगर कोई सेंटर से साउंड आ रही ना, वो मुझे सेंटर से नहीं सुनाई दे रही, बिकॉज लेफ्ट साइड वाला ज़्यादा लाउड है तो मुझे वो थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ सुनाई दे रहा है। अगर कोई मैं गेम खेल रहा हूँ वहाँ से मेरे सामने सेंटर पे बंदा है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगेगा कि वो बंदा ज़्यादा लेफ्ट साइड पे हो, आप समझ सकते हो किस तरीके से आपको डिसएडवांटेज में डाल सकता है। सो दूसरी चीज़, देयर इज लिटरली नो डेप्थ टू द साउंड, इन द सेंस कि साउंड स्टेज है ही नहीं,
ठीक है, मैं 1000 रुपये का IMS आपको ऐसे बता सकता हूँ जो इससे कम से कम दुगनी या तीन गुनी परफॉर्मेंस आपको अच्छी दे सकते हैं साउंड क्वालिटी के मामले में। आपको ज़्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी, ये लिटरली आपको डिसएडवांटेज में डाल रहा है बिकॉज देयर इज नो डेप्थ, मतलब आपको पता नहीं चला कि भाई सामने से बंदा कहाँ से आ रहा है, आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट की आवाज़ का पता चल रहा है और वहाँ भी कोई हाइट नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं, म्यूजिक भी नहीं सुन सकता मैं इस पर, वो उसकी भी खराब है। आई डोंट नो क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इसको मैं 3200 में बेचूँ। एक सेकेंड रुकना, आई एम श्योर अगर वो पैकेजिंग पे थोड़े कम कलर्स खर्च करते वो इसकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी कर पाते, या फिर मतलब मे बी इसका प्राइस थोड़ा कम कर दो, बिकॉज द बॉक्स जब आप देखते हैं उनके डिज़ाइन लैंग्वेज को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करती है, बहुत सुंदर दिखता है बॉक्स, ये देख के लगता है कि यार ये हेडसेट तो यार बहुत कमाल का होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं। दूसरी चीज़ जो इसको और चीप आउट करती है, ऐसी चीज़ देख के जो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आया समझ लो, कूलर मास्टर जो इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा OEM है, एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है ऑफ PC कंपोनेंट्स, ऑफ PC पेरिफेरल, जिनकी पिछली वीडियो में मैंने बहुत तारीफ की थी और मैंने कहा था कि इनका माउस 5000 रुपये के अंदर सबसे कुछ बेस्ट माउस में से एक है, वो कंपनी वही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है जो 1000 रुपये के चाइनीज हेडफोन्स यूज़ करते हैं, गेमिंग हेडफोन्स यूज़ कर सकते करते हैं, और मैं बात कर रहा हूँ Zeer की XEAR। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको किसी भी चाइनीज हेडसेट के साथ मिलता है टू कंट्रोल द लाइक बेस वगैरह वो सब कंट्रोल करने के लिए, 7.1 चैनल सेटिंग्स कंट्रोल करने के लिए। वो देख के तो मुझे और गुस्सा आ रहा है कि भाई कूलर मास्टर कहाँ पे है, उन्होंने बस यहाँ पे अपना लोगो डाल दिया, इतना सुंदर सा बॉक्स बना दिया, उन्होंने इस पे मेहनत की है। मास्टर प्लस की बात करते हैं जो उनका ऑफिशियल है, मैं हर बार कहता हूँ कि बहुत ही खराब सॉफ्टवेयर, उनको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस। ओपन किया मैंने मास्टर प्लस गलती से ओपन करने के बाद मैंने बेस कंट्रोल करने की कोशिश की, मैंने बेस का स्लाइडर ऊपर कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं। 10 सेकंड बाद मैं जब किसी दूसरे ऐप में पहुंच चुका हूं वहां पे अचानक से बेस बढ़ जाती है। सिमिलरली वॉल्यूम मैंने कम की तब कुछ नहीं हो रहा मास्टर प्लस में, अचानक से 5 सेकंड बाद वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रही है। इससे अच्छा एक्सा E900 Pro ले लो, काफ़ी बेटर है इसके मुकाबले, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, वो खराब है लेकिन इसके मुकाबले काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट रेड गियर का आता है 7.1 Cosmos, मतलब उसकी साउंड क्वालिटी इससे ज़्यादा न्यूट्रल है, ज़्यादा अच्छी है। असल तो मेहनत ही नहीं की कि बस हाँ ठीक है गेमिंग हेडसेट लॉन्च करना था, मार्केट कवर करनी थी, बिकॉज टाइम पास करना था आई गेस, तो उन्होंने ये लॉन्च कर दिया। यू नो व्हाट, मैं क्या ऑफर करता हूँ भाई, कूलर मास्टर वाले देख रहे हो, इंडिया वाले कूलर मास्टर वाली टीम देख रहे हो ना, सुनो मेरी बात, कोलैबोरेट कर लो किसी रिव्यूअर वगैरह के साथ, मेरे साथ कोलैबोरेट कर दो, मुझे 50,000 दे दो, चाहे मुझे सेल्स का भी पार्टनर दो, मुझे 50,000 रुपये दे दो वन टाइम वाली, मैं आपके हेडसेट डिज़ाइन करने में थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा, आपके प्राइस वगैरह एडजस्ट करने में हेल्प कर दूंगा, कोर्से के हेडसेट ले लो, HS50 ले लो, 1000 रुपये सेव करके MH630 ले लो, या फिर पैसे मत खर्च करो, एक IM ले लो 1500 रुपये का, सेलनोट 780 रिव्यू किया चेक कर लो, वो ले लो, रेड गियर का कुछ ले लो, या फिर JBL का क्वांटम ले लो जो इससे 1000 रुपये सस्ता और उसके मुकाबले शायद बहुत ज़्यादा बेटर साउंड क्वालिटी है। कहते ना कि माई डे इज रूइंड एंड माई डिसअपॉइंटमेंट इज इनमेजरेबल। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगा आपको अगली बार, टिल देन।